पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने राज्यपाल लालजी टंडन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि मेरा क्षेत्र यूपी से लगा हुआ है और मैं लालजी टंडन को काफी नजदीक से जानता था। वो काफी सुलझे हुए व्यक्ति थे, उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बात तो सच कही है, अब भले ही नरोत्तम मिश्रा कुछ भी कह ले लेकिन ये बात सही है, भाजपा कोरोना काल में लोगों की जान बचाने से ज्यादा सरकार और मंत्रिमंडल बनाने में व्यस्त है। आज अकस्मात निधन का जो समाचार उनका मिला है, बहुत ही दुखद और तकलीफ देह समाचार है। मैं अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से श्रद्धा सदन अर्पित करना चाहता हूं। साथ ही परम पिता परमात्मा से यही निवेदन करूंगा कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नई बात नहीं है, बहुत सारे वायदे उन्होंने किए थे लेकिन उन वायदों को कभी पूरा नहीं किया। लेकिन नगरी अध्यक्षों के लिए नई बात है, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद बंध गई थी कि अब तो जब इन्होंने, इतने बड़े नेता ने कहा है तो निश्चित रूप से ये उसके ऊपर अमल करेंगे और वो अपनी शैली के हिसाब से कह के बदलने वाला काम कर रहे हैं। आज नतीजा ये है कि सारे मध्य प्रदेश के लोग उनके यहाँ दरवाजे पर बैठ रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, अपनी आवाजें बुलंद करने का काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जाके स्वाभाविक रूप से वो यही कहेंगे कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, वरना उपचुनाव में सड़कों पे आना पड़ेगा।